जिस रोज सवालिया ने खुदकुशी की, तुम काम पर आए थे? नहीं साहब, उस रोज मैं काम पर नहीं आया था। बताओ। नहीं साहब जी, मैं बाजार गई थी सौदा लेने। कौन सी पंचायत में आके बैठा हुआ है? आखिर पता तो चले कि शम्स पूछ क्या रहा है। बाजार। उस दिन घर में और कौन था सवालिया के अलावा? मुझे अच्छी तरह याद है, सालिया बीबी और शफक के अलावा घर में अतीका बीबी और शैला बीबी थी। हम तो खाम खाई डर रहे हैं शैला, मेरा ख्याल है जरूर सबा के साए के बारे में पूछ रहा होगा। इलाज जो चल रहा है शायद। और तुम बाजार खुद गई थी या तुम्हें भेजा गया था? साहब जी, शैला बीबी ने भेजा था सौदा लाने के लिए। हमारे घर का सौदा सिर्फ खवातीन लाती हैं। नहीं, साजिद ही लेकर आता है, लेकिन कभी कभार नजमा चली जाती है कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज लेने के लिए। उस दिन घर में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? नजमा, सब सच सच बताओ, किसी से डरने की जरूरत है। बताओ। शाबाश। साहब जी, सालिया बीबी को किसी से क्या लड़ना है? उन्हें तो जी अतीका बीबी ने कमरे में बंद कर दिया था। अम्मी को ताकत दे, अपने पीछे हो जा तू, चल पीछे हट। शैला बीबी और अतीका बीबी उन्हें बच्चियों से मिलने नहीं दे रही थी। दरवाजा खोलो, मेरी बच्ची रो रही है, दरवाजा खोलो। अतीका बीबी का कहना था कि सालिया बीबी पागल हो चुकी है। बच्चियों को नुकसान पहुंचा सकती है।